Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर ऑल यूट्यूब सपोर्टर्स, फ्रेंड्स मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार इस वीडियो में BC-1 कैटेगरी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर BC-1 कैटेगरी है क्या, BC-1 कैटेगरी कौन सी जाति के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, BC-1 कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से जाति आते हैं, उन सभी जातियों का लिस्ट भी दिखाऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि BC-1 कैटेगरी जिस जाति के लिए प्रयुक्त एक शब्द है उनके कैटेगरी का क्या नाम है। तो आपको इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अगर आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अप टू डेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी प्रकार का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें सामान्यतः आपसे दो जानकारी मांगी ही जाती है, एक तो आपका कास्ट अर्थात आपकी जाति क्या है और दूसरा आपका कैटेगरी अर्थात आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो जब आपके कास्ट की बात आती है अर्थात जाति की बात आती है तो फिर आपको अपना कास्ट पता होता है कि आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, वो तो आप डाल देते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है वर्ग की तो वर्ग में आपको दिक्कतें होती हैं केवल BC-1 और BC-2 कैटेगरी के अंतर्गत। हिंदी में अति पिछड़ा 1 और अति पिछड़ा 2 करके दिया रहता है। बाकी जो SC के स्टूडेंट्स होते हैं या SC के कैंडिडेट्स होते हैं, ST के कैंडिडेट्स होते हैं, जनरल के कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको ज़्यादा समस्या नहीं होती है, केवल BC-1 और BC-2 वाले कैंडिडेट्स के लिए समस्या होती है। तो इस वीडियो में हर एक कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का नाम सुना होगा और आपको भी पता होगा कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं या आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो फिर आप BC-1 कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को ही BC-1 कहा जाता है या फिर इसे EBC भी कहते हैं। और EBC आप सभी को पता होगा, EBC का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैमली बैकवर्ड कास्ट, या फिर इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो भी जाति आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का जाति हो, अगर वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो फिर वो BC-1 कैटेगरी में आएंगे। लेकिन वैसे जाति जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो BC-2 कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। तो यही डिफरेंस है BC-1 और BC-2 कैटेगरी में। अब देखिए, BC-1 कैटेगरी जिस जाति के लिए प्रयुक्त होता है उस जाति के कैटेगरी का क्या नाम है, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रैमली बैकवर्ड कास्ट। तो ये भी आप समझ गए कि जिस जाति के अंतर्गत जिस जाति के लिए प्रयुक्त होता है BC-1 कैटेगरी उसका जो वर्ग होता है वो एक्सट्रैमली बैकवर्ड क्लास या अत्यंत पिछड़ा वर्ग नाम होता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि BC-1 कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से जाति होते हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। इससे पहले एक बार और क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को माइंड में एक चीज़ बिठा लेना है कि जो EBC के अंतर्गत आते हैं वही BC-1 के अंतर्गत भी आते हैं। EBC और BC-1 एक ही चीज़ है। उसी प्रकार हिंदी में अगर समझे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और BC-1 जिसे अति पिछड़ा 1 करके ऑप्शन में दिया रहता है तो वो भी एक ही चीज़ हुआ। लेकिन अगर केवल पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक अलग चीज़ है, पिछड़ा वर्ग एक अलग वर्ग है, तो जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आएंगे वो आपका BC-2 हो जाएगा और यहाँ पे EBC नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल BC रहेगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए लिस्ट देखते हैं। जो लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC-1 EBC यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट दी गई है इसमें देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC-1 EBC, मतलब सारे जो है समतुल्य ही हैं। अब इसमें देखिए सभी चीज़ें दी गई है, जैसे BC-1 के अंतर्गत एक नंबर में कपड़िया आते हैं, कानू, मतलब सभी का जो संख्या है वहाँ पे संविधानिक रूप से जो लिस्ट तैयार की गई है तो उनकी जातियों की संख्या भी वहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से कपड़िया, कानू, कलंदर, तो देखिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग जो है इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, नाम भी मैं पढ़ ही दे रहा हूँ स्पीडली, तो आप लोग अपना मिला लेंगे। वैसे इसका PDF मैं प्रयास करूँगा कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो देखिए, कपड़िया, पांडी, कानू, पाल, कलंदर, कोच, प्रधान, कुर्मी, महतो, यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड स्वशासी क्षेत्र के लिए, फिर पिनगनिया, पहिरा, केवट, वारी। मैं स्पीडली पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, अगर आपका जाति इसमें आएगा तो BC-1 कैटेगरी में आप आते हैं।
फिर यहाँ पे कादर, बिलदार, कूरा, बिंद, कुरकू, शेखरा, केवर्त, बागदी, खटवा, भुयार, खतौरी, भार, खंगर, भास्कर, फिर यहाँ नीचे देख सकते हैं बहुत सारी लिस्ट जो है दी गई, बहुत लंबी लिस्ट, खटिक, माली, खेलटा, मांगर, गोरी, मदार, गंगई, मल्लाह, गंगूता, मझवार, गंधर्व, मारकंडे, गुलगुलिया, मुरियारी, और यहाँ पे देख सकते हैं चाय, मलार, चपोता, मौलिक, चंद्रवंशी, राजधोबी, टिकुलहार, रंगवा, ढेकारू, वनपर, तमरिया, सौटा, तुरहा, संतरास, तुरहा, संतरास, तियर, अघोरी, धानुक, धामिन, अब्दल, धीमर, कसाब, धनवार, चीक, नूनिया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नूनिया भी दिया गया है। तो इसमें जो है 42 नंबर इनका जो है संविधान सूची में नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर आगे चीक, नाई, रफाली, नाम शुद्र, धुनिया। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दे दी गई है कि कौन से धर्म, मुस्लिम धर्म के लिए सेपरेट कर दिया गया है, बाकी अगर नहीं ब्रैकेट में दी गई हो तो आप समझेंगे हिंदू धर्म। फिर यहाँ पे धोबी, मुकेरी, नौट, पमरिया, ईट फरोश, बाकी इनका दूसरा नाम यहाँ दिया गया है, बटियारा, भाट, मेहतर जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, जनरली जो है साफ़ सफाई में ही ये लोग काम करते हैं, तो ये भी BC-1 में ही आते हैं। फिर बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, जो शर्मा टाइटल यूज़ करते हैं या ठाकुर टाइटल यूज़ करते हैं, बढ़ई अर्थात जो लकड़ी का काम करता हो, तो वो सभी BC-1 में आते हैं। फिर यहाँ पे मिरियासिन, पटवा, कमार, देवहार, सामरी, वैश्य, हलवाई भी देख सकते हैं BC-1 में ही आते हैं, मदारी, मुड़शिकार, पैरघा, परिहार। फिर यहाँ पे आगे नीचे देख सकते हैं साई, फकीर, लहेरी, यहाँ पे देख सकते हैं मोमिन जो मुस्लिम में होते हैं, मोमिन, राजवंशी, अमात, कुलहिया, चूरीहार, अवध बनिया। फिर यहाँ देख सकते हैं प्रजापति, राइन या कुंजरा। फिर यहाँ पे बरई, तमोली, चौरसिया, तेली, शोयर, कुराई, दांगी, और नीचे देख सकते हैं नागर, शेर शाहबादी, बक्शो, अदरखी, छिपी, तिली, फिर इदरीसी या दर्जी जो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं सैकलगर, रंगरेज, सिंदूरिया बनिया, कैथल वैश्य, कथ बनिया। तो ये सभी जो है BC-1 की लिस्ट थी। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से BC-1 कैटेगरी के बारे में जानकारी मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ, तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट।